हम शायद थोड़ा जल्दी पहुंच गए, टाइम आ गया क्योंकि और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर तो और ज्यादा ठंड होगी। गुड मॉर्निंग व्लॉग 5 एंड डे 4 ऑफ अवर जॉर्जिया ट्रिप। और आज हम हैं काजबेगी में राइट नाउ और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, बाकी बाहर निकल के दिखाऊंगा। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। वैसे कुछ खास आज ब्रेकफास्ट में है नहीं, मैं बस एक मिक्स फ्रूट जूस ले आया था। तो आप भी कभी आओ तो ये ट्राई कर सकते हो, अच्छा है। ठीक है, साथ में थोड़े ब्रेड मफिन्स वगैरह वही खा के अभी तो निकलेंगे, बाहर जाके देखेंगे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। तो अभी के लिए सिर्फ मिक्स फ्रूट जूस, बट अच्छी चीज़ है। आज जो हमने होटल बुक किया है गोदोरी में, आज हम गोदोरी जा रहे हैं, बाय द वे गोदारी जा रहे हैं। गोदारी में जो हमने होटल बुक किया है उसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, तो कल का ब्रेकफास्ट हमारा अच्छा हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं काजबेगी से गोदारी, गोदारी एक्सप्लोर करने का प्लान है आज हमारा। और निकल गए हम अपना सूटकेस उठा के गोदारी की तरफ। यहाँ से बस स्टैंड जाना है और बस स्टैंड से आगे मिनी बस मिलेगी गोदारी की, तो चलते हैं। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, कल से भी ज़्यादा साफ़ है। आज माउंट काजबेग भी दिख रहा है यहाँ से और देख सकते हो मौसम तो बहुत साफ़ है। चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर गोदारी। बस स्टेशन तो हम पहुँच गए, यहाँ से बस देखनी है, मिनी बस फॉर गोदारी। गोदारी की गाड़ी तो नहीं मिल रही थी, टैक्सी मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सी वाले मांग रहे थे, 100 ला रही 120 ला रही, वो हमें सेंस नहीं लगा। 4,000 रुपये खर्च करके यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाएंगे। तो ये एक बस मिली है, मिनी बस, टेम्पो ट्रैवलर काइंड ऑफ है, और ये 15 लारी लेते हैं यहाँ से तबिलिसी के। हमें पहले पता होता, हम आते भी इसी से, बट 15 लारी लेते हैं तबिलिसी जाने के। और अब सीन ये है कि हमने इनको बोला है गूगल ट्रांसलेटर से कि भाई हमें गोदारी उतार देना, हम 15 लारी दे देंगे। तो देखते हैं, एक्सपीरियंस तो यही है। जैसे तैसे बुलवा के रुकवा लिया, ठीक है, स्टॉप स्टॉप बोलने लग गए थे अब सारे मतलब दोनों। और ये थी हमारी बस, एंड अब हमने अपने होटल से बहुत पास में है, चलते हैं अब अपने होटल की तरफ। गए, एक नंबर है। कैसा लग रहा है वंस गोदारी में आके? इंडियन नेम लग रहा है ना, काफी इंडियन नेम लग रहा है गोदारी। काफ़ी नेम यहाँ पे मिलते जुलते हैं हमारे वहाँ से, गुलमर्ग। हाँ, कुछ कुछ गुलमर्ग वाली फील भी है। सो ये हमारा होटल है यार, क्या ही प्यारा इंटीरियर है इस होटल का। रूम अभी रेडी नहीं है, रूम ये बता रहे हैं कि 2 बजे के बाद मिलेगा, तो 2 बजे चेक इन टाइम है। हम शायद थोड़ा जल्दी पहुँच गए। तो अभी एक ऑप्शन है जो हमने निकाला है कि हम अपने बैग लगेज यहाँ छोड़ रहे हैं एंड चेयर कार से हम टॉप पे जा रहे हैं। होटल से निकले हैं अभी, अभी जाना है हमें पैदल पैदल ऊपर की तरफ। यार होटल बहुत ही प्यारा है, ये देखो लिटरली इतना सही होटल है। अब तक रूम नहीं देखा है, अब रिसेप्शन देख के खुश हो रहे हैं हम तो। रूम देखेंगे तब पता चलेगा और कितना प्यारा है क्या है। वहाँ टॉप पे जाना है एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी माउंटेन बाइक लेके आए हैं। We'll be right back.
काफी थकान के बाद फाइनली पहुंच तो गए हम। अब पता करते हैं टिकट कितने की है। अभी लिए हमने टिकट, दो टाइप की टिकट थी, एक थी टॉप पे जाने की और एक उससे भी टॉप है, एक कोबी व्यू नाम से। तो उसके लिए चार चेयर कार बदलनी पड़ेगी। तो जो टॉप पे जाने की थी वो 10 की थी और जो सबसे ज़्यादा टॉप पे जाने की है, कोबी व्यू जाने की है, वो 30 लारी की थी, जो कि समथिंग 1000 रुपये। तो हमने तो 30 लारी वाली ही ली है, क्योंकि जब जा ही रहे हैं तो जाना ही चाहिए फिर तो। फिर तो जाना ही चाहिए, है ना। वंस का मन है टॉप पे जाने का, नहीं झंडा गाड़ के आएंगे, आपका नहीं है। झंडा गाड़ के आएंगे। हाँ सीट आओ, इट्स क्लोज क्लोज। यार ये तो बहुत ही अच्छा है। वंस कैसा लग रहा है आप, सही लग रहा है। अब? सही लग रहा आई लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे तुझे धक 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 लग जाएगा। तो जी बैठ गए हम केबल कार में और बढ़िया एक्सपीरियंस जा रहा है। ज्यादा लोग है नहीं यहाँ पे क्योंकि ऑफ सीजन है, स्नो नहीं है, ऑब्वियस है, बट यार ठीक है, ग्रीनरी सही। जब आए तब अच्छा। ये हमारे वन साहब बैठे हमसे बहुत दूर। दिस इज द व्यू ऑफ आर केबल कार। जो असली व्यू है वो तो वैसे वापस आते वक्त दिखेगा, क्योंकि अभी क्या है, अभी मैं सामने दिखाऊंगा तो कोई व्यू नहीं है, बस हम टॉप पे जा रहे हैं, टॉप पे जाके नीचे का व्यू दिखेगा। जब वापस आएंगे तो आपको ये वाला व्यू दिखेगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो यार देखो, अब 10 लारी देके टॉप पे जाना वर्थ है या फिर 30 लारी देके कोबी व्यू तक जाना वर्थ है, ये मैं आपको एक्सपीरियंस करने के बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं कुछ बोलूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। बट हाँ, इस ट्रिप पे एक्शन कैमरा लाना वर्थ हुआ, क्योंकि मोबाइल में रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं और ये ना मेडोज नहीं होते वैसा लग रहा है, और बहुत बहुत ही शांति है। और ये चीज़ ही थी जो हमें चाहिए थी जॉर्जिया से, क्योंकि सिटी लाइफ तो यार हम कहीं भी एक्सपीरियंस कर सकते थे। लाइक हम दुबई जा सकते थे, हम दुबई भी जाएंगे आगे, दुबई भी जाएंगे, बट दुबई भी जा सकते थे हम, बैंकॉक भी जा सकते थे, सिंगापुर भी जा सकते थे, बट जो चीज़ विच इज़ क्लोज टू नेचर जो इन्जॉय करने वाली होती है वो ये होती है, इतनी शांति, इतना सब कुछ। यहाँ भी है सिटी लाइफ, हम एक्सप्लोर करेंगे सिटी लाइफ भी। वी विल गो टू बातुमी। बातुमी में बिल्कुल प्योर सिटी लाइफ और प्योर पार्टी वाली वाइब्स है, कैसीनोज है। इसमें एक चीज़ और अच्छी है, देखो एक चीज़ और इसमें अच्छी है। देखो जैसे हमने अभी ये लॉक लगाया है, ठीक है, ये लॉक लगाया है, ये लॉक है सिर्फ इसका पैरों को रखने के, बांधने के लिए, कि ताकि कोई बंदा गिरे ना झटके से। यदि हमें ठंड लगने लगे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, तो हम ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये सील्ड है, ट्रांसपेरेंट, जो यहाँ पे ऊपर दिख रही है, जो आप देखोगे खाली वाले पे लगी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको, जूम करके दिखाता हूँ। देखो जो खाली वालों पे लगी हुई है ना, बस इसको यहाँ से पकड़ना है तो हैंडल को और नीचे को पुश करना है, तो पकड़ना है और नीचे को कुछ पुश करना है, दोनों को करना है एक साथ, हाँ, तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर विंडशील्ड लग गई उसके बाद। उसके बाद क्या है कि हमें ठंड नहीं लगेगी, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। अब यहाँ से नीचे देख रहा हूँ ना तो थोड़ा डर लग रहा है, देखो वैसे नीचे देख रहा हूँ तो थोड़ा सा डर सा लगता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो बढ़िया आप चेयर पे बैठे हैं। थोड़ा सा एक्शन कैम का डर था कि ये गिर गिर ना जाए, तो इसलिए बहुत चल भाई टाइट से पकड़ा हुआ है। ये हम पहुंच गए हमारी पहली डेस्टिनेशन पे, अब यहाँ से हमें जाना है उस टॉप पे, तो चलते हैं। ठीक रहा, हमने जो केबल कार है वो ऊपर तक की बुक की, यदि हम एक पॉइंट तक की बुक करते तो यहाँ आके फील होता कि यार सिर्फ यही बुक की। यार ये उतरना बहुत फनी था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था और हम भाग के उतरे हैं। सो पहले टॉप पे पहुंच गए और जो व्यू है यहाँ से वो बहुत ही प्यारा है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवार्ड्स द सेकेंड टॉप, जो शायद वो है। यार हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे। आजा आजा आजा, तो यही वाली केबल कार लग रही है जिसमें हमें जाना है, बैठते हैं। यहाँ कोई बंदा नहीं है, कोई बंदा नहीं है, लिटरली ना बंदे की जात। खुद टिकट लगाओ, खुद जाओ, खुद घूमो, यहाँ बैठते हैं ना। हमने कोई डाउट है ये कहीं और तो नहीं ले जाएगा, आ जाएगा घूमते फिरते उतर के नीचे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अब हमारी टिकट ने यहाँ एंट्री दी है तो इसका मतलब ये जेन्युइन ही है। गेट बंद हो गए। अब यहाँ काफी गर्मी है, मेरे को लगता है मैं विंड चीटर लाया हूँ, पहन लेना चाहिए, टाइम आ गया, क्योंकि और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर तो और ज्यादा ठंड होगी। दिस इज द आर्टिफिशियल लेक, जैसे हमारी ओली में बनी हुई है बिल्कुल वैसा ही है, और प्यारा लग रहा है यार, प्यारी लग रही है लेक। सर्दी के टाइम पक्का है ये जम जाती होगी, और जमने के बाद अच्छा व्यू मिलता होगा यहाँ से। बनाई है ना यहाँ पे, जो चीजें बनाई है यहाँ पे वो बहुत, मतलब बहुत ही सही बना रखी है। जैसे ये केबल कार है, कैसे इसको अटकाया, एक उस पहाड़ पे टॉप पे केबल कार है, आप शायद देख पा रहे हो या ना देख पा रहे हो, मैं जूम करके ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की। तो
वो टॉप पे केबल कार है, वो टॉप पे केबल कार देखो यार, पत्थरों पत्थरों पे कैसे अटकी हुई है। चीटर पहन ली है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है ऊपर आके, और हमारा वंस भाई मफिन खा रहा है। तो यार इस केबल कार की ना एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, हम दो ही बंदे हैं, मतलब लिटरली बाकी जितनी भी केबल कार आ रही है वो ऑलमोस्ट खाली आ रही है, हम दो ही बंदे हैं जो इसमें केबल कार में बैठे, बट स्टिल इट्स ऑपरेटिंग, ये ऑपरेट कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये हमसे पहले भी कर रहे थे, जब हम दो भी नहीं थे तब भी ऑपरेट कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि टिकट बिकी है तो लेके जाएंगे। भाई साहब ये तो बहुत ही अलग लेवल जगह लग रही है अब ये, यार यहाँ तो बट कोई है ही नहीं, और आगे भी जा रही है। तो अभी हम कोबी पास पे है, जो टॉप होता है उस पे है, अब हम जाना चाहे तो इसके आगे भी जा सकते हैं, चले चलते हैं क्योंकि यहाँ तो और कुछ है ही नहीं। तो दो बंदे दिखे फाइनली, तो अभी एक जगह से ऊपर आए, अब एक जगह से नीचे जाने का है, वहां से देखो ऊपर आए और यहाँ नीचे जाने का है। तो इट्स लाइक पास, जो एक माउंटेन पास होता है, हम एक माउंटेन रेंज क्रॉस करके आए हैं और अब हम दूसरी माउंटेन रेंज में एंटर कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ से हम ऊपर आए थे, ठीक है, और अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। ये भी कुछ यूनिक देखने को मिला, पहली बार देखा है। अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, अभी ना आइडिया लगा हमें कि ये कहाँ जा रही है, हमें हम ये सोच रहे थे कहीं ये चलती चलती वापस काजबेगी तो नहीं पहुंचा देगी, क्योंकि एक केबल कार से उतरे, एक चेयर कार से उतरे, दूसरी केबल कार पे बैठे, दूसरी केबल कार से उतरे, तीसरी पे बैठे, अब कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ये वापस काजबेगी पहुंचा देगी। फिर वंस भाई ने, हमारे वंस भाई ने दिमाग लगाया, तो जो पहले हमें रोड पे सबसे पहली जो मैंने दिखाई थी आपको रोड पे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, रोड पे जो केबल कार दिख रही थी ये शायद वही है, तो ऐसा लग रहा है ये वही जा रही है। सिर्फ एक केबल कार नहीं है यहाँ, कम से कम 30-40 केबल कार होगी। नीचे तो उतर रहे हैं, अब हमें नहीं पता आगे ये कहाँ जाएगी, किधर जा रहे हैं, बट पहाड़ों को एंजॉय करते हुए केबल कार के मजे ले जा रहे हैं। अच्छा यार बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है, मतलब आप कभी जॉर्जिया का प्लान करो, काजबेगी तो जाना ही जाना, प्लस में गोदारी में भी वन नाइट स्टे कर सकते हो। मुझे पहले लगा था गोदारी लोअर एल्टीट्यूड पे है तो इतना अच्छा नहीं होगा, बट गोदारी क्या है, गोदारी मेन यहाँ का हिल स्टेशन है, मेन स्की रिजोर्ट है, और काजबेगी जो है वो स्की रिजोर्ट नहीं है, तो यहाँ ज़्यादा चीज़ें देखने की है, और बाकी तो एक्सपीरियंस करेंगे इन पहाड़ों पे घूमते फिरते, तभी आइडिया लगेगा कौन सी चीज़ कहाँ है। बस कुछ बढ़िया सा खाने को मिल जाए तो आके इंडियन फूड खाना है। यार यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, तीन इंडियन रेस्टोरेंट मिले हमें, तीन, तो काजबेगी में भी दो थे, तबिलिसी में भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट थे, तो इंडियन रेस्टोरेंट है, जैसे काजबेगी में था एक लकी ढाबा था जो कि हम रिकमेंड नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। बॉलीवुड मसाला अच्छा था, बॉलीवुड मसाला आप जा सकते हो, खुशबू बाहर से ही आ रही थी उसकी, तो खाया नहीं ठीक कुछ है। अभी तबिलिसी में भी बॉलीवुड मसाला था, वो इनकी पूरी चेन होगी, वो भी अच्छा था। महफिल रेस्टोरेंट था एक तबिलिसी में, यहाँ पे है, यहाँ पे हवेली है, यहाँ पे एक स्पाइस करके कुछ है, और एक कौन सा देखा था, चौधरी ढाबा। हमारे हरियाणा वाले भाई, ढाबे अभी तो हमारे यहाँ हरियाणवी बंदे बसे हुए हैं, पूछते हमसे मिलेंगे तो कैसे आए भाई, कैसे आए यहाँ पे। वैसे मैंने देखा और कोई फूड नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोरियन फूड, जापानी फूड, ये फूड वो फूड, कोई और नहीं, बट इंडियन फूड तो है ही। चीज। इंडियंस यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं आते, जैसे हम एक दो इंडियन रेस्टोरेंट में अब तक गए तो वहाँ हमने देखा कि नॉन इंडियन लोग ज्यादा बैठे हैं, फॉरनर्स बैठे हैं, वो इंडियन फूड ट्राई कर रहे हैं, इंडियन फूड खा रहे हैं, तो पता चलता है कि इंडियन फूड की वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलैरिटी है, काफी लोग खाना पसंद करते हैं। तो बातों बातों में हम पहुंच भी गए हमारे स्टेशन, पता पता नहीं कहाँ पे नहीं कहाँ पे, लिटरली पता तुम्हें नहीं पता कहाँ नहीं पे। चलेगा कहाँ पे पहुंचे अब तक कोई बंदा मिला ही नहीं हमें ऊपर, टूरिस्ट ही थे एक दो, हमें पता ही नहीं था हम कहाँ है, अभी पता करते हैं, अभी पूछते हैं हम यहाँ पे कोई बंदा मिला तो, भाई हम हैं कहाँ, कहाँ ले आए तुम हमें, 30 लारी लेके, इतनी इतनी भी सर्विस नहीं देनी थी कि हमें आप दूसरी दुनिया में ले आए। लिटरली यार हम अभी अपने होटल पैदल जाने लग जाए तो हमें 3 दिन लग जाएंगे, यहाँ भी कोई बंदा नहीं दिख रहा है, वही तो नहीं पता। उतर के देखते हैं कहाँ पहुंचे हम। कैफे मिला है सामने, चाय पीते हैं चाय। ये एटीवी यार क्या प्यारी एटीवी है यार, ये टूरिस्ट है जो हमारे आगे वाली उसमें आ रहे थे तो यही दिखे थे, एक केबल कार यहाँ भी है यार, कितनी केबल कार है वंश, कितनी केबल कार है, समझ नहीं आ रहा भाई कहाँ जा रहे हैं कि इतनी केबल कार में कहाँ जाएंगे, पहाड़ों के बीच में भाई, हमें नहीं पता हम कहाँ पे है, लिटरली हमें नहीं पता हम कहाँ पे है, बस चारों तरफ पहाड़ है,
एक केबल कार नीचे जा रही है, एक केबल कार ऊपर जा रही है। चाहे भी पता करते हैं। दिस इज कोबी। ओके दिस इज कोबी एंड डाउन वी हैव दिस टिकट सो वी गो डाउन एंड देन कम अप। ओके थैंक यू। चौथी केबल कार में बैठिए। व्यू देख सकते हो आप मेरे पीछे, क्या ही शानदार व्यू है यार, नजारे नजारे। तो जी आ गए हम गोभी, गोभी में आके वंश खाएगा गोभी। बहुत क्रेजी फन हो रहा है, समझ समझ से परे है चीजें। अब यहाँ बाहर निकलने के बाद अंदर एंट्री मिलेगी नहीं, इसलिए पूछना पड़ेगा। Can I fly drone camera here? Drone camera, can I fly here? No English. Okay. पर रोकियो मत, अब इंग्लिश नहीं आती बड़ा, कोई बात नहीं। अब जब मैं ड्रोन उड़ाने लगा तो रोकियो मत। अच्छा यार राफ्टिंग रूफ्टिंग भी होती है भाई। बहुत ही प्यारा गोभी विलेज था, इधर आ जाए सर। तो अब यहाँ से आप चल दिए हम ऊपर की तरफ वापस अपनी केबल कार में बैठ के, कुछ था भी नहीं और बहुत कुछ भी था। वॉटरफॉल है जिससे पूरी वॉटर स्ट्रीम बन के आ रही है। जल्दी एक और जगह, चलो चलो। हम आ गए गोभी पास फिर से। यहां से अभी व्यू आ रहा है बहुत प्यारा, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, दिखाता हूं अभी आपको। गोभी पास ये देख रहे हो आप। अब चलते हैं हम वापस नीचे की तरफ क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। केबल कार में बैठे थे और हमें ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टिकर दिखा, आप देखिए इस पे लिखा है नेवर बैक टू USSR। तो जिन लोगों को नहीं पता, जॉर्जिया जो था वो USSR का पार्ट था, सोवियत संघ का। जब सोवियत संघ के USSR के टुकड़े हुए तो जॉर्जिया कंट्री बनी, रशिया अलग हो गया, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान ये सब पहले USSR के पार्ट। बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी, अभी भी आ रही है, बट अभी क्या है ना अभी बारिश बारिश आ रही है। उस टाइम ओले गिरने लग गए थे, बहुत ही ज़्यादा तेज़ ओले, बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो गया था। सब लोग भाग भाग के इधर उधर भाग रहे थे, कुछ लोग वहाँ भागे। हमें ये प्यारा सा रेस्टोरेंट दिख गया तो हम रुक गए, हमने बोला कि कुछ खा लेते हैं। एंड फॉर्चुनेटली हमें वेज पिज्ज़ा मिल गया यहाँ पे, थोड़ा महंगा है बट ठीक है, इस रेस्टोरेंट के हिसाब से वाइब के हिसाब से चलता है। मैं आपको ये रेस्टोरेंट दिखाता हूँ कैसा है, काफ़ी क्यूट सा है रेस्टोरेंट। यहाँ पे खेलने के लिए पूल वगैरह भी है, ये हमारी टेबल, पियानो, टेबल, एंड दिस इज द एरिया फॉर कॉफी एंड वाइन। तो भाई वंश का इंतजार सदियों पुराना पूरा हुआ, हमारे को फाइनली मिल गया वेजिटेरियन पिज्जा। वंश का दो दिन से मूड था पिज्जा खाने का। बहुत ही बढ़िया वाली धूप निकल गई है, नीचे भी ऐसी धूप रही तो आज बढ़िया कपड़े धो के सुखा ले गए। खाना खा के बाहर तो निकल गए हम, बट यार एक चीज़ है जो यहाँ की बहुत बुरी लगती है यार, खाना एक तो महंगा। कोई बात नहीं, महंगा चल जाएगा, हमें भूख लगी है, मेन्यू पे देखेंगे पसंद आएगा खाएंगे, नहीं आएगा नहीं खाएंगे। बट उस पे जो ये सर्विस चार्ज लगा देते हैं ना 15%, 20%, 10%, इनकी मर्जी चलती है यार, कुछ भी सर्विस चार्ज लगा देंगे, कुछ लिटरली कुछ भी। हमारा बिल हो रहा था 40 लारी का, इन्होंने 50 लारी का बना दिया, 25% सर्विस चार्ज लगा रहे हैं। बाकी वैसे ठीक था, विटामिन कैफे नाम है इसका।
ये व्यू आ रहा है गोदारी टाउन का, एंड हम अपनी चेयर कार में बैठे हैं, फिर से जा रहे हैं नीचे की तरफ। काफी ही प्यारा एक्सपीरियंस हो रहा है, काफी ही प्यारा। सामने चारों तरफ ग्रीनरी, पहाड़, यहाँ देखो यहाँ बढ़िया ग्रीनरी, बढ़िया व्यू, और हम इस व्यू को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं नीचे। होटल जाके सोचते हैं। आ गए हम अपने होटल में, मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ। दिस इज अ रूम फॉर टुनाइट। काफ़ी प्यारा रूम है। द वॉशरूम रहने देता हूँ। यहाँ हमारे लगेज वगैरह पड़े हैं, ये सोफ़ा, छोटा सा टीवी, कैटल, टी मेक, टी कॉफ़ी, फ्रिज, एंड ये दो ट्विन बेड, सबसे सही हम दो लड़कों के लिए ट्विन बेड। एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द रूम। ये बालकनी खुलती है, सो दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर रूम। वाओ, नाइस यार, नाइस। दिस इज द व्यू। हम चल दिए स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने। मौसम बहुत ही प्यारा हो गया यार, आप देखो मौसम देखो, इतना प्यारा मौसम है ना कि ऐसा लग रहा है 5-10 दिन यहीं रुक जाओ, कहीं जाओ ही मत। सबसे अच्छा इस होटल का देखो, तो होटल का एम्बियंस तो बहुत प्यारा है ही, आप देख ही रहे हो वीडियो के बैकग्राउंड में। और सबसे अच्छा जो इस होटल का है वो है इसका रेस्टोरेंट एंड पूल एरिया, जो कि 7th फ्लोर पे है। होटल का नाम है गोदारी लोफ्ट स्की रिजोर्ट, ठीक है। हमें 3000 का पड़ा booking.com पे, आप भी बुक कर सकते हो, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, पैसे दिए अभी 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 अपने क्रेडिट कार्ड से। अभी दिखाता हूँ मैं पूल एरिया। ये यहाँ पे स्पा है, एंड स्पा के साथ ही पूल है। यहाँ बैठ के माउंटेन व्यू एंजॉय कर सकते हो। ये स्पा एरिया है, क्या ही प्यारा पूल है यार। पूल में एक डुबकी लेके आए, पानी गर्म है, ठंडा नहीं है, ठीक है, हल्का हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है। और कैमरा लेके चलते हैं, आपको व्यू दिखाते हैं यार, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है स्पेशली वहाँ से, उस तरफ से। This is the view from here. बढ़िया स्विमिंग पूल में स्विमिंग की और चिल किया ऊपर, 1-1.5 घंटा बढ़िया चिल किया। अभी शाम के 7 बज चुके हैं और वेदर जैसा मैंने पिछले 2-3 व्लॉग में बताया, यहाँ रात ही नहीं होती यार 8-9 बजे से पहले। और ये हमारा होटल था, होटल बहुत प्यारा है, दिखाया ही है मैंने। अभी हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट की तलाश में विद वंस महाजन। इंडियन फूड इतना सस्ता नहीं है, तो एक तो इतना सारा पैसा देना, एक्स्ट्रा पैसा देना, और ऊपर से स्वाद नहीं होना, कितना बुरी चीज़ है। लोकल कौन सा सस्ता है? लोकल यार सस्ता तो मिल जाएगा छोटी मोटी दुकानों पे देखेंगे, बट लोकल का क्या है ना, लोकल यार हमने 2-3 बार खा लिया, स्वाद ही नहीं लग रहा। और महंगा कितना खाया वही बता दे। बहुत महंगा खाया यार हमने, मतलब 2,500-3,000 रुपये की एक मील खाई है। आप सोचो 1,200-1,500 रुपये पर पर्सन का मील का कॉस्ट आ रहा है, पर फिर भी स्वाद नहीं है यार। खाने के पैसे लग जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि हम ठीक है, हम अच्छा खाना खाना चाह रहे हैं, वी आर रेडी टू पे, बट खाने में स्वाद हो। अरे यार इस होटल की विंडो भाई क्या प्यारा बनाया है, नाइस। ये मेन रोड है जो तबिलिसी को रशिया से कनेक्ट करती है, मेन हाईवे, और हम भी हमें इस हाईवे से होके ही जाना है, जो कि थोड़ा सा स्केरी लग रहा है, क्योंकि बहुत स्पीड से ट्रक आ रहे हैं और बहुत ही स्पीड से गाड़ियां मूव कर रही है, और उसमें ट्रैवल करना थोड़ा सा। अरे भाई देखो, ये देखो, अरे हाँ, गोदावरी में बहुत सारे अपार्टमेंट फॉर सेल है, फॉर रेंट है, तो इतना समझ आता है यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक एक दो दो तीन तीन महीने के लिए आते हैं, मे बी स्की का कोर्स करने या स्की की प्रैक्टिस करने या फिर कोई और रीजन हो सकता है, बट बहुत सारे अपार्टमेंट यहाँ मिल जाएंगे जो फॉर सेल है। हम चले जा रहे थे और कंफ्यूज थे कि कौन सा, मतलब वाकई में इंडियन रेस्टोरेंट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रेस्टोरेंट दिख रहा था, ये वाला, ठीक है, और समझ नहीं आ रहा था इतनी दूर चल रहे हैं, पता चला इंडियन रेस्टोरेंट होगा नहीं होगा। फिर दूर से आवाज़ आई हमारे बॉलीवुड सॉन्ग की, अब तो कन्फर्म हो गया इंडियन ही है, बढ़िया रोटी सब्जी खाएंगे। आज हमारे खाने के लिए आया है पनीर बटर मसाला और लच्छा पराठा, देसी खाना, मम को यही चाहिए था। खाना खा लिया, ये
रेस्टोरेंट है हवेली, और ये है इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे ओनर जो है वो पंजाब से ही है, स्टाफ अलग अलग जगह से था, बट अच्छा है काफ़ी, मतलब खाना अच्छा था, पेट भर गया, मन नहीं भरा, मन कर रहा था और ज़्यादा और खाए, ठीक है। और ये हमारा वंश कुत्तों के साथ खेल रहा है। अच्छा लगा खाना ओवरऑल। यदि आप गोदारी आ रहे हो, ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ये ओल्ड गोदारी में है, दो हवेली दिखा रहा था मैप पे, एक न्यू में एक ओल्ड में, तो ये ओल्ड में है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल गोदारी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे को एक बंदा और मिला जो कि कर्नाटका से था, और उन्होंने मेरे को बताया यहाँ एक और जगह है मार्थवेली करके, वो बहुत प्यारी जगह है, तो मे बी कल हम वहाँ का ही प्लान कर ले, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम तो है। टाइम इस बार हम लेके आए थे, क्योंकि टाइम का क्या होता है ना, हर बार टाइम की ही कमी रह जाती है यार इस कंट्री में, और टाइम बिताना था, टाइम नहीं है। तो इस बार हमारे पास पूरे 10 दिन थे, तो आपके पास 10 व्लॉग आएंगे, टाइम पूरा है, तो शायद हम मार्थवेली जाएँ कल, यदि हमें व्हीकल मिल जाता है तो, और फिर वहाँ से बातुमी, बातुमी से तबलीसी वापसी, फिर इंडिया। You see Bollywood? Oh God, bah! अभी मेरे साथ ऐसा हुआ जो सीरियसली एक ट्रैवलर के लिए नाइटमेयर से कम नहीं है भाई।